तरीके से टीम एक्सपर्ट, इट्स अबाउट टाइम, इफ द टाइम रन्स आउट, लेकिन यहीं पर एक आखिरी प्लेयर बचा है, सयम के पास मौका रहेगा पहला चिकन अपनी टीम को दिलाने का, लेकिन वो ग्रेनेड आया, बट लुक एट दैट, सयम केस भी काफी ज्यादा कम, एक फिनिश पॉइंट उठाया, इट्स डाउन टू अ वन ऑन वन सिचुएशन, एक प्लेयर अभी भी जोन के बाहर हील कर रहा है, सयम के पास दो फर्स्ट एड्स, एक लगाएंगे, एवरीवन्स जस्ट लुकिंग ऑन द स्क्रीन्स, क्योंकि उनको देखना है उनका टीम मेट कितना पोटेंशियल रखता है, सयम वर्सेस आरू, छह फिनिशेस, एक एम का इस्तेमाल करने की कोशिश, बट सयम को पता नहीं लेफ्ट हैंड साइड पर प्लेयर उनका टीम इंडिया पर डाउन हो जाएगा, इनफैक्ट फिनिश हो जाएगा, सयम ही स्ट्राइक टू एवरीथिंग, जंप शॉट्स आरू ने लिए, आरू के पास एक और मौका है इस सिचुएशन में क्लच करने का, द क्लच मास्टर, द क्लच मशीन इज मूविंग फॉरवर्ड, एक एम को एम4 पर स्विच किया, सयम ने स्ट्राइक, और वंस अगेन जस्ट स्नैचेस इट आउट फ्रॉम एवरीवन, एवरी सिंगल मैन इज गोना मेक His true potential just unlock itself. जिस तरीके से खेला गया है Sayam, hats off to his play. Trust me, he played incredible. He played flawlessly. अब उस situation देखिए जब one on one है, दिक्कतें थोड़ी बहुत हैं. Hats off to the play. Way OR moved to snatch the houses from rivalry. Rivalry का एक problem हुआ जब एडमिनों ने यहाँ पर आरू का knock miss किया. उन्होंने काफी कम